भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित और मैं आप लोगों को आज जेम पे जो चार्जेस है उसके बारे में बताऊंगा, खास तौर पे स्पेशली वो चार्जेस जो मुझे आपका 20 लाख, जब भी आपका कभी भी 20 लाख के ऊपर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब आपको 20 लाख जेम पे जब तक ऑर्डर नहीं मिलते तब तक आपको उसके कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते, पर आफ्टर 20 लाख, जैसे आपके 20 लाख के अमाउंट को क्रॉस करेगा जेम पे, मतलब चाहे वो ऑर्डर्स डायरेक्ट ऑर्डर हो, L1 हो, या फिर PR से, परचेज रिक्विजिशन से हो, या बिड के थ्रू से, कैसे भी, तो आपको आफ्टर 20 लाख आपको उसका 0.5% चार्जेस देना पड़ता है। तो कहाँ पे आपको वो चार्जेस देने हैं, कैसे पे करने, और जेम पे क्या क्या चार्जेस अलग से लग सकते हैं, जैसे कि कॉजन मनी है, EMD है, EPBG है, तो हम लोग इसी आज जो चार्जेस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ये है 20 लाख का क्या है क्राइटेरिया, जहाँ पे आपको दिखते हैं। तो हम ऑर्डर्स में जा रहे हैं, ऑर्डर्स में मेरे पास एक ऑर्डर्स पड़ा है, देखेंगे तो ये एक ऑर्डर्स है जो मैं ऑर्डर्स को देख पा रहा हूँ, और ऑर्डर्स में जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ, तो देखिए मुझे एड्रेस पूछ रहा है, मैंने अपना एड्रेस डाल दिया, GST नंबर आ गया और मुझे तुरंत 11,800 के लिए आपको बताया जा रहा है कि हमारे जो है वो 20 लाख क्रॉस हो चुके हैं हमारा ट्रांजेक्शन, और आफ्टर 20 लाख एनुअल माइलस्टोन चार्जेस, साल भर के लिए एनुअल माइलस्टोन चार्जेस है 0.5% ऑफ ऑन 20 लाख, 20 लाख के ऊपर आपका 0.5% 10,000 होता है, और उसके ऊपर GST लग रहा है 18%, 1,800, ऐसे मिला के 11,800 रुपीज मुझे यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे जेम को, जो एनुअल चार्जेस है। ये कब तक फिर चार्जेस लगेगा, फिर आपको 1 CR तक नहीं लगेगा, फिर आफ्टर 1 CR आपको ये चार्जेस लगना चालू हो जाएगा। यहाँ पे इसके कॉन्ट्रैक्ट है, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट ने मुझे 20 लाख पार किया था, इसके बेस पे मुझे चार्जेस लग रहा है, तो मुझे अभी इसको पे करना पड़ेगा। जब तक पे नहीं करूंगा तब तक मैं ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो पे नाउ यदि मैं क्लिक करता हूँ, एड रिक्वेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे चार्जेस पे करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा, और मैं जब तक ये चार्जेस को पे नहीं करता हूँ तब तक ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे SBI आप्स के अकाउंट है, इसको सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे अभी UPI का ऑप्शन पहले नहीं था, अभी UPI भी ऑप्शन आ चुका है, तो आप डायरेक्ट उनको UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से बनना है तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ऐसे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, जहां से आप चाहिए वहां से पेमेंट कर सकते हैं। कॉजन मनी जैसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट RTGS या NFT करना है, एक्सिस बैंक चूज नहीं किया तो आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आप डायरेक्ट ये चूज करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपको चार्जेस, तब तक वो आप एक ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते, और ये नहीं, इसके आगे कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको 1 CR पे आएगा नेक्स्ट स्लैब। तो यहाँ पे देखिए UPI भी है, हम लोग UPI पे चूज करते हैं, UPI कोड वगैरह आ जाएगा BA से, और या फिर QR कोड से, आप QR कोड दे देंगे, ये देखिए QR कोड आ गया, डायरेक्ट इसका आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जहाँ से आप गेम को पेमेंट करेंगे, जैसे ही पेमेंट हो जाएगा फिर आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, और फिर आप उसको काम करना, आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर आपको 1 CR तक ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। 1 CR के बाद फिर से, जैसे ही आपको 1 CR होगा, फिर से 0.5% आपको एनुअल माइलस्टोन चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये पहला है चार्जेस के बारे में। सेकंड, आप लोगों को बेसिक हमने काफी वीडियो बना चुके हैं कॉजन मनी के रिगार्डिंग, तो मैनेज कॉजन मनी, जहाँ पर डिपेंड 5,000 ये जो अमाउंट है थ्रेशोल्ड लिमिट, ये कितना रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट जितना रहेगा उतना आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, और 25,000 हो सकता है, ऐसे अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट्स है तो आपको देने पड़ते हैं, और ये भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। एक जनरेट चालान है, यदि आपने एक्सिस बैंक चूज किया है तो आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, पर बाकी के प्रोसेस में आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ RTGS या NFT के थ्रू से ही आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे NFT और RTGS का ही ऑप्शन है। सबमिट, तो देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम आ गया, वर्चुअल अकाउंट नंबर आ गया, और IFSC कोड आ गया, इस अकाउंट को आपने ऐड कीजिए और इसको NFT RTGS से पेमेंट कर दीजिए। तो जैसे पेमेंट करेंगे अपडेट बैलेंस पे क्लिक करते हैं, कर सकते हैं, या फिर आपने यदि यहाँ पे एक्सिस बैंक चूज किया है
अभी जिन लोगों ने ICICI बैंक या HDFC चूज किया है वो लोग चेंज नहीं कर सकते, पर फर्स्ट टाइम जब यूजर बना रहे हैं और आपने एक्सिस बैंक चूज कर लिया तो फिर आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन होता है और आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा आपका जो पेमेंट है वो है टेंडर्स के रिगार्डिंग। जब आप कोई टेंडर्स देखते हैं तो वहाँ पे NFT, EMD, NS मनी डिपॉजिट और EPVZ इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ऐसे दो चीजें आपको लगती है। तो डिपेंड जिस टेंडर में रहेगा उसका आपको पेमेंट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई टेंडर आपको दिखाता हूँ, उसके फॉर्मेट वगैरह आपको मिल जाएंगे। देखिए ये टेंडर, ये जो टेंडर है इसमें EMD रखा हुआ है, इसमें आप डाउनलोड यहाँ से करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मेट आपका डाउनलोड हो जाएगा PDF फाइल में, आपको डायरेक्ट ये बैंक में लेके जाना है और बैंक से ये भरना है और इसका ही कॉपी आपको यहाँ पे EMD भर, जब टेंडर भरेंगे तो ये कॉपी आपको वहाँ पे अपलोड करना है। ये एक वन टाइप ऑफ DD है, DD के रूप में आप पेमेंट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पूरे डिपार्टमेंट का नाम, जिस डिपार्टमेंट का है आपका क्या नाम है, ये सब पूरा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा और कुछ करना नहीं है, ये एज ए DD है और अपलोड करेंगे। और यदि आपको टेंडर नहीं मिला तो आप विड्रॉल कर लेंगे, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। टेंडर मिला तो ये EMD जमा करना पड़ता है डिपार्टमेंट को। और एक आता है EPVZ, EMD जनरली 0.5% टू 5% तक हो सकता है, ये डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ये कैसे पता चलेगा, ये टेंडर डाउनलोड कर पता चलता है जिसमें क्या क्या चीजें हैं और कितना पेमेंट करना पड़ता है। यदि आप ये पूरे जो टेंडर का इन्फॉर्मेशन है इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बारे में पूरे डिटेल्स में समझाया हूँ, जो बीड का इंडेट क्या है, कौन से डिपार्टमेंट का है, क्वांटिटी कैसा रहेगा, क्या क्या टेंडर्स हैं, मेक इन इंडिया क्या है, MSME में कभी छूट मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स कैसा लगेगा, कैसे आपको बनाना है डॉक्यूमेंट, ये टेंडर का पूरा इन्फॉर्मेशन, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, जो भी एक टेंडर में इन्फॉर्मेशन होता है उसके पूरे वीडियोज हमारे हमने आपको बना के रखे, आप वहां से हमारा देख सकते हो वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे EMD की हम लोग बात कर रहे थे तो EMD आपको मिलेगा आई थिंक सेकेंड नंबर पेज पे रहता है जनरली। चलिए देखते हैं हम लोग EMD जो है, यहाँ देखिए तो 2% EMD है, 70,000 रुपया EMD है और टेंडर मिला, अभी ये पैसा नहीं भरना है, टेंडर आपको मिल गया तो 1% आपको 6 महीने के लिए बैंक गारंटी भी देना पड़ेगा। ये आपके इतने से भी जेब पे चार्जेस है जो आपको लग सकता है, डिपेंड आपके एलिजिबिलिटी पे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये पूरे जेम पोर्टल बायर और सेलर के पूरे ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप, हमें आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सिलेबस प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।